अगले पॉइंट को ध्यान देते हैं। जो कार्य अध्ययन करता होने से उसको निष्पक्ष होना चाहिए ताकि और उसको गुटबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, फेवर नहीं लेना चाहिए किसी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा और भी कुछ प्रिकॉशन थे, आगे हम देखेंगे। जैसे कि अगर उत्पादन में जो है रुकावटें आ रही हैं, अब जो रुकावटें हैं वो बहुत से तरीकों से हो सकती हैं। जैसे कि अगर समय पे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो नहीं आया, और अगर समय पे रॉ मटेरियल नहीं आया तो फिर क्या होगा, देरी होगा, टाइम बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा रुकावटें किस तरह की हो सकती हैं, अगर मशीन में कोई दिक्कत आ गया, अब मशीन सही नहीं होगा तो उससे भी काम नहीं होगा। उसके अलावा किसी श्रमिक को कोई दिक्कत हो गई तो उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, तो ये सारी दिक्कत चीज़ें क्या हैं, उत्पादन में आने वाली रुकावटें हैं। और अगर आपने इसको यथा संभव जैसे जितना फास्ट इसको रिमूव नहीं किया तो आपका होगा क्या कि जो लेबर हैं उनका टाइम और फोर्स दोनों बेकार होगा, मतलब वेस्टेज जाएगा। वो उतने दूर क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे, और इससे आपका ही नुकसान होगा। तो ये भी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब भी आपको मांग लो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीनों और संयंत्रों का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करनी पड़ेगी। आपने जितने भी सिस्टम और मशीन लगाए हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसको कैपेसिटी को इंक्रीज कराना पड़ेगा, तब जाके आप लेबर प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ पाएंगे, बढ़ा दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होती है किसके, मशीन के प्रोडक्टिविटी पे। पहले आपको बताया जा चुका है। अब कोई भी स्टडी करने वाला इंसान है उसको खुद ही कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई भी नोटिस देना है, कोई भी आदेश देना है तो खुद दे देना चाहिए उसको फोरमैन के थ्रू। फोरमैन जो होता है बेसिकली एक इंस्ट्रक्टर होता है किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में या किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके थ्रू आप अपनी बात कहलवाइए, क्योंकि तो वो जो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो आपके लेबर के साथ अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, जिस तरीके से जी आपसे बेहतरीन है उनकी। इसलिए आपको कोई भी काम अपने इंस्ट्रक्टर से या फिर अपने फोरमैन से करवाना चाहिए। अगला जो है, जनरली कोई भी काम होता है तो आपको पता है कि इसका लोग विरोध करते हैं। विरोध इसलिए भी होता है ना कि वो उसी काम को बहुत सालों से करते आए हैं, अब उनको लगता है कि यही सही होगा, आने वाला जो नया काम है वो बेहतर होगा या फिर नहीं होगा। तो अब आप जानते हैं कि इसको लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले अपने लेबर्स को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्यों कैसे करेंगे ये काम, तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप कहेंगे कि आने वाला जो काम है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपको नए फायदे देगा, आपको इंसेंटिव बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपको कम काम में इतना काम हो जाएगा, आपका वर्क इन्वायरमेंट। तो ये तरीके हैं जिससे अपने श्रमिकों को क्या कर सकते हैं, नए परिवर्तन के लोक लुभावन वादे करके बदल सकते हैं। वरना जितने भी श्रमिक या श्रमिक संगठन वो आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसको भी करना, आपको कार्यविधि करने से पहले प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब उसके अलावा जो कार्य संबंधी सामान्य जानकारी है उसको भी आपको अपने जितने भी मैनेजमेंट है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि और मैनेजमेंट के साथ साथ लेबर को भी बताना पड़ेगा। मतलब यह है कि प्रबंधकों और साधारण श्रमिकों सभी को बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे वो दोनों लोग के संज्ञान में रहेगा कि ये हम वर्क स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा अगर कोई काम होगा इसमें जितने मैनेजमेंट का कोई हेल्प नहीं है या फिर लेबर का करिए, तो वो उसमें आपको सहायता भी प्रदान कर पाएंगे। तो ये प्रिकॉशन भी लेना आपको ज़रूरी है। अब इसका मन नहीं कि आज मेरे को मन आया कि बस स्टडी कर लेते हैं और मैंने किसी को बताया नहीं और शुरू हो गया, तो ऐसा काम भी आप नहीं कर सकते हैं। अगला जो है, जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनमें जो
वर्किंग एनवायरनमेंट है, मतलब कार्यस्थल है, उसके भी वातावरण में उनके एनवायरनमेंट में भी सुधार किए जाना चाहिए। अब वातावरण का स्पेशल ये आप आगे भी पढ़ेंगे अर्गोनॉमिक्स में, जो वर्क मेजरमेंट के अंतर्गत आएगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही अर्गोनॉमिक्स पे होगा। अर्गोनॉमिक्स में आप काम को कैसे करेंगे, बैठने उठने का तरीका, ये सब कुछ आता है, तो वो भी वहाँ पे पढ़ेंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है, आपके काम करने का तरीका निर्भर करता है। इसीलिए आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है किसी भी वर्क प्लेस पे, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। ये भी एक प्रिकॉशन है जिसको हमको लेना पड़ेगा वर्क स्टडी के दौरान। अब अगला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि कार्य अध्ययन करने से पहले क्या आवश्यक बातें हैं जिनको हमको करना जरूरी है। तो बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर आपको विचार करने पड़ेंगे कार्य अध्ययन करने से पहले। जैसे एक आर्थिक पक्ष होगा, मतलब इकोनॉमी का एस्पेक्ट होना चाहिए कि आप इस कंडीशन में हैं कि आप वर्क स्टडी कर पाएँ, इकोनॉमी कर पैसे वैसे अगर ज़रूरत लगे तो आप कर पाएँ। ऐसा नहीं आप वर्क स्टडी शुरू कर दी और आपके पास तो उसमें पैसे नहीं, कंपनी का बोझ बढ़ गया। उसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, ट्वीट कि आप वर्क करने जा रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, अभी कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई नहीं है और आपको वर्क स्टडी करने में दिक्कत होगी, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है उदाहरण। अब ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देंगे कि इंसान के तरीकों पे, यूनियन का, उसके बाद मैनेजमेंट वो पसंद आए ना आए, तो ये सब बातें ह्यूमन एस्पेक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये कार्य अध्ययन करने से पहले कुछ आवश्यक करते हैं जिनको मैं हम अगली क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले आज आपने पढ़ा कि कैसे जो वर्क स्टडी है वो एक बेहतरीन हथियार है किसका, मैनेजमेंट का। इसके अलावा आज आपने पढ़ा कि वर्क स्टडी करने वाले पर्सन के क्या अच्छे गुण होने चाहिए। इसके अलावा आपने पढ़ा कि जो प्रिकॉशंस हैं वर्क स्टडी के दौरान, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। और इसके अलावा आपने आज ये पढ़ा कि किसी भी वर्क स्टडी को करने के लिए आवश्यक बातें या शर्तें क्या होनी चाहिए जो आपको करना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग यही एस्पेक्ट, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, उसके अलावा ह्यूमन एस्पेक्ट है, इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे।